Nandini? Nandini? तो उसे कौन सा मेरा पता याद रहता है जो आज मैं इमोशनल हो जाऊं? तेरे इमोशनल ना होने पर तेरा रिश्ता खत्म तो नहीं हो जाएगा ना? तू तो रहेगा तो उसका भाई ही ना? उसने मुझे अपना बड़ा भाई माना ही कब है? तो वही गलती तू भी कर तो तेरे और उसमें फर्क ही क्या रहेगा? करण वो छोटी है, उसकी 10 गलतियां माफ, उसकी हर बात सर आंखों पर। अगर तू उसे विश करेगा तो तेरा कुछ जाएगा? ए नंदिनी, बेबी कल जो कॉलेज गई है तो अब तक घर नहीं लौटी। नंदिनी घर से कॉलेज के लिए निकलती है और फिर वहीं से नाइट क्लब, किसी फ्रेंड के यहाँ सोना और फिर दूसरे दिन दोपहर तक घर पे लौटना। सालों से यही लाइफस्टाइल बना रखा है उसने। कुछ कहती हूँ तो सुनती नहीं। मामा, I've called all our friends. किसी को नहीं मालूम वो कहाँ है। हेलो मिस्टर भार्गव। सर पिछले 5 कॉल्स एक ही लोकेशन से किए गए हैं, बिटवीन 2 to 4:48 AM। उसके बाद सेल इधर ऑफ कर दिया गया है या बैटरी डाउन है? व्हाट इज द लोकेशन? गुड़गांव MG रोड। ए नंदिनी, रॉकी एक गोली और लो ना। आउच, रॉकी प्लीज दो ना। रॉकी प्लीज मुझे एक गोली दे दो। पहले पैसे। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल दे दूंगी ना। ए, कल किसने देखा है, आज ही सेटल कर लेते हैं ना। रॉकी एक कमाल ग्रेट। क्या प्रॉब्लम है तेरी? चाहिए तो तू भी आ जा। बास्टर्ड, बहन है मेरी। ए, कम ऑन, लीव द गन। अरे इसे क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर ये सब क्या है? डैड, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप इस हादसे के बारे में ना ही नंदिनी से कोई जिक्र करेंगे ना कोई पूछताछ। मैं खुद सुबह से बात कर लूंगा। बिलीव मी मॉम, शी इज फाइन, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। कोई टेंशन की बात नहीं। करण, अब तो वाकई किसी बात की टेंशन नहीं है। इस घर की जिम्मेदारी तूने जो अपने कंधों पर ले ली है, थैंक यू सन। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं डैड? एक बाप अपने बेटे को थैंक यू बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता। हाँ, शायद तो ठीक कहता है। मुझे थैंक यू नहीं, मुझे तो तुम दोनों से सॉरी कहना चाहिए। डैड। हाँ बेटा, मैं ही एक बाप का फर्ज भूल गया था और आज उसी का नतीजा है कि तुम दोनों को कितना सफर करना पड़ा है। I hate myself for having done this. No, Dad, don't say that. बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना, प्लीज डैड।